रोजगार देने वाले हाथ चाहिए, रोजगार मांगने वाले हाथ नहीं। सुधीर भाऊ ने यह प्रेरणा दी कि रोजगार देने वाले हाथ बनो, रोजगार मांगने वाले नहीं, और उसी प्रेरणा पे मैं चल रही हूँ, लोगों को रोजगार दे रही हूँ। मैं बांबू का काम करती हूँ, आर्टिजन हूँ, और मैंने BRTC से 70 दिन का ट्रेनिंग लिया, वहाँ से शुरुआत हुई ये बांबू का काम करने की। फिर मैंने वहीं से कुछ चीज़ें लेकर प्रदर्शनी में गई थी, नागपुर के गवर्नमेंट का प्रदर्शनी था, वहाँ पे समझ आया कि बांबू के जो भी चीज़ें होती है उनको मार्केट में बहुत मांग है। तो वहीं पे मैंने तय किया कि मुझे भी कुछ बनना है और कुछ लोगों को काम भी देना है। फिर मैंने बांबू की जो चीज़ें है वो खुद ही घर में बनाना चालू किया। फिर कुछ ऑर्डर्स आते गए तो अकेले मैं नहीं कर पाती थी, इसलिए पहले कुछ एक दो महिलाओं को बुलाया था मेरे साथ काम करने के लिए। बहुत ज़्यादा अगर काम हुआ तो मैं 10 महिलाओं को तो रोज़गार देती हूँ। गए साल मैंने राखियाँ डिज़ाइन की थी, उसमें से कुछ बीजों की राखी, धान की राखी मैंने मुख्यमंत्री साहब को डिज़ाइन करके भेजी गई थी। इस बार स्पेशली बांबू की बनी हुई राखी पंतप्रधान साहब तक पहुंचने वाली है। यही हमारे देश के प्रधान सेवक, हमारे भारत भूषण विश्व भूषण नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है, सपना है। आइए हम नरेंद्र मोदी जी के इस संकल्प को भारत माता के चरणों में समर्पित करते हुए ये संकल्प करें कि रोजगार देने का पवित्र कार्य मैं करूंगा।